कल शाम एशिया कप का तीसरा मैच और इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया। इस मैच में बारिश ने बार बार खलल डाला, इसके बाद मैच को रद्दी कर दिया गया और इस मैच की एक ही पारी हुई, लेकिन वो पारी बहुत ज़बरदस्त हुई। शुरुआत में ही शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट ले लिया। उसके थोड़ी देर बाद सरेश अय्यर और शुभमन गिल भी आउट हो गए। टीम इंडिया की चार परफॉर्मर आउट होने के बाद ईशान किशन पाँच नंबर पर खेलने आए और इस नंबर पर ईशान किशन पहली बार बैटिंग कर रहे थे, जिसने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पाँचवें विकेट पर 138 रनों की साझेदारी की। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 266 का टोटल खड़ा किया, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच को रद्द करना पड़ा और इस मैच में ईशान किशन ने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 4 अर्धशतक पूरे कर लिए, क्योंकि ऐसा कारनामा करने वाले पहले विकेटकीपर MS धोनी थे। वनडे में 4 लगातार अर्धशतक बनाने वाले धोनी के बाद दूसरे विकेटकीपर ईशान किशन हैं, जिन्होंने 81 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 9 छक्कों की सहायता। एंड गाइस, अब इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच 10 सितंबर को हो सकता है। तो ऐसे ही एशिया कप से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।